नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। इस वक्त पूरी दुनिया में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक छाए हुए हैं, जिनकी जीत के चर्चे इंग्लैंड से लेकर इंडिया तक हैं। हो भी क्यों ना, आखिर एक भारतवंशी शख्सियत पहली बार ब्रिटेन में इस पद तक पहुंची है। इस प्रोग्राम में हम आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने ऋषि सुनक की जीत में बड़ी भूमिका निभाई है, जिन्होंने सुनक के समर्थन में ऐसी जोरदार कैंपेनिंग की कि वे लोकप्रियता के शिखर पर जा पहुंचे। और सबसे खास बात यह कि कैंपेनिंग के रणनीतिकार कोई ब्रिटिश नहीं है, बल्कि वो हमारे देश के हैं, हमारे मध्य प्रदेश के और हमारे अपने शहर भोपाल के बाशिंदे हैं। इनका नाम है आदित्य प्रताप सिंह। बहुत स्वागत है आपका आदित्य जी हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेश जी, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आज मौसम थोड़ा खराब था, अच्छा हुआ है जिस वक्त बारिश थी। और मैं अगर ठीक हूँ तो इस वक्त आप लंदन की पहचान लंदन ब्रिज के पास खड़े हैं? जी, मैं अभी लंदन ब्रिज पर ही हूँ। चलिए वाह, बेहद हमें खुशी हो रही है आपके साथ चर्चा करके और अब बहुत सारी बातें करने आदित्य जी, लेकिन सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि वहाँ कैसे हालात थे। पहले बोरिस जॉनसन, फिर लिज ट्रस को पद से हटना पड़ा, इसके बाद ऋषि सुनक आए, तो ये हालात वहाँ क्यों बने थे? सबसे पहले तो मैं शुरुआत करता हूँ, जैसे दिसंबर 2021 से यहाँ पर धीरे धीरे जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, उनके खिलाफ कैंपेन शुरू हुआ। जैसे उन्होंने कोविड के दौरान पूरा सब कुछ लॉकडाउन था पूरी कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, पर उनके द्वारा लॉकडाउन के कुछ नियमों का उल्लंघन करते हुए कुछ पार्टीज की और ये सब उनके जो कुछ निर्णय थे कोविड के दौरान, उनसे जनता खुश नहीं थी, तो उनके खिलाफ माहौल बनना शुरू हुआ। और फिर सबसे पहले जो उनकी कैबिनेट के मिनिस्टर थे ऋषि सुनक जी और साजिद जावेद ने इस्तीफा दिया, फिर धीरे धीरे कई लोगों ने इस्तीफा देना शुरू किया। और फिर जो कोविड के दौरान ऋषि सुनक जी के कुछ अच्छे कार्य थे और उनकी लोकप्रियता हुई, जैसे उन्होंने फर्लो स्कीम लॉन्च की थी, उसमें बहुत सारे जो एम्प्लॉय थे उनको 80% तक सैलरी घर बैठे दी गई, तो तब से ऋषि सुनक जी काफी लोकप्रिय हुए पूरे देश में। और इनकी पॉलिसीज को भी दुनिया के कई देशों ने अपनाया और उनसे उनका रोड मैप था उसके तहत काम किया, तो धीरे धीरे बदलाव हुए। और बाद में जब उन्होंने इस्तीफा दिया प्रधानमंत्री जो थे हमारे पहले बोरिस जॉनसन, उसके बाद फिर चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई और फिर लिज ट्रस और ऋषि सुनक जी के बीच में चुनाव हुआ और फिर लिज ट्रस जी थी और फिर बाद में 45 दिन उनका कार्यकाल चला, उसके बाद ऋषि सुनक जी आए। जी जी, तो सर बोरिस जॉनसन के हटने के बाद ऋषि सुनक का नाम तेजी से उभरा, लेकिन लिज ट्रस से वो मुकाबला जीत नहीं पाए, उस समय वहां क्या स्थितियां थी? हालांकि जैसे जो हस्टिंग शुरू हुई लिज ट्रस और ऋषि सुनक जी के बीच में, उसके पहले 5 दावेदार थे जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, फिर जो वोट हुए और जो कम संसद के सदस्यों ने उनको चुना, फिर आखिर में 2 सदस्य बचे। यहाँ की जो प्रक्रिया होती है उसमें 2 से अधिक जब होते हैं दावेदार तो उसका एक चयन समिति होती है, फिर उसके बाद 2 दावेदार बचते हैं, तो इन जो 2 दावेदार बच्चे ऋषि सुनक जी और लिज ट्रस, तो इसके लिए हम लोगों ने कैंपेनिंग भी की, क्योंकि पार्टी एक ही है कंजर्वेटिव और एक ही पार्टी के दोनों सदस्य थे, तो सब जो कैंपेनिंग भी होती थी वो एक ही जगह होती थी कभी कभी, जैसे कि कंजर्वेटिव के ही लिज ट्रस हैं और ऋषि सुनक जी हैं। तो फिर इसके बाद जब फाइनली लिज ट्रस बहुत ही कम अंतराल से जीती, तो ऋषि सुनक जी के लिए बहुत ही ज्यादा संवेदना रही लोगों की, क्योंकि ऋषि सुनक जी के जो कार्य थे एज अ फाइनेंस मिनिस्टर वो काफी अच्छे थे, तो लोगों ने ये समझा कि अगर ऋषि सुनक जी प्रधानमंत्री बनते लिज ट्रस की जगह, तो जो आज की डेट में फाइनेंशियल कंडीशन खराब है यूके की, वो उसको ज्यादा बेहतर कर सकते थे। तो लोगों के बीच में चर्चाएं भी हुई, पर
फाइनली जब लिस्ट्रस प्रधानमंत्री बनी तो उनके जो 45 दिन के कार्यकाल के बीच में उन्होंने कुछ अच्छे डिसीजंस भी लिए, पर उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कई जगह बढ़ा दिया और उससे नॉर्मल पब्लिक में ही प्रॉब्लम हुई, तो किन्हीं कारणवश उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। तो इस बीच आपके मन में क्या चल रहा था, तो ये भी बात जानना चाहेंगे, और साथ ही साथ वो राज बताइए कि कैसे आपकी मुलाकात ऋषि सुनक जी से होती है और कैसे आप उनकी कैंपेनिंग से जुड़ते गए। मैं ऋषि सुनक जी से कोविड के टाइम भी मेरी मुलाकात हुई, जैसे ऋषि सुनक जी धार्मिक व्यक्ति हैं तो वो जैसे फेस्टिवल हुए हमारे होली दिवाली या जो भी हिंदू फेस्टिवल है तो वो मंदिर जरूर आते हैं, तो एज अ कंजर्वेटिव मेंबर भी मैं जुड़ा हुआ था तो पार्टी मीटिंग से मेरी मुलाकात हुई और भी मेरी कई बार उनसे चर्चा हुई। फिर जब हमारा जो कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इंडिया है तो हम लोगों ने भी प्रचार की कमान संभाली, तो मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो मैं एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इंडियन स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो उन्होंने मेरे साथ चर्चा की और मुझे बताया कि हम ऐसे ऐसे जो इंडियंस हैं उनके बीच में हमें प्रचार और कैंपेनिंग करनी है, और फिर मेरी जब उनसे चर्चा हुई बहुत ज्यादा तो मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता, पर उन्होंने मुझे ये भी बोला ब्रिटेन के अंदर इंडिया से बहुत सारे छात्र पढ़ने आते हैं एशिया से, पर अगर हम सरकार में आते हैं तो हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जैसे कि ब्रिटेन के छात्र इंडिया पढ़ने जाएं, तो इससे दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है और स्ट्रांग होंगे और इससे फायदा दोनों देशों को होगा। वाह, तो इस बात ने आपको प्रभावित किया। जी अच्छा, आदित्य जी अब जब आपने काम संभाला तब क्या चुनौतियां थी आपके सामने और उन्हें आपने कैसे टेकल किया? जैसे हमने चुनाव की कैंपेनिंग करना शुरू की तो हमें बहुत ज्यादा लोगों ने तो मोटिवेट नहीं किया, पर लोगों का कहना ये था कि नॉन ब्रिटिशर है ये, पर एक्चुअल है तो ब्रिटिशर ही, उनका जन्म भी यही हुआ है और वो ब्रिटिश इंडियन है, पर लोगों का ये कहना था कि हाँ जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो गोरा ही होगा और इंडियंस के बीच में जो धारणा थी उनको लगता था कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है कि हमारी कम्युनिटी का कोई प्राइम मिनिस्टर बने। अगर मैं अपने आंकड़े बताऊं तो 60% इंडियंस को भी भरोसा नहीं था कि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनेंगे, पर हम लोगों ने धीरे धीरे माहौल बनाया और हमने बताया कि ऋषि सुनक जी की जो नीतियां हैं और उन्होंने जो कोविड के टाइम में काम किया और एज अ सेक्रेटरी उन्होंने इतना अच्छी चीजें की हैं इससे लोग मुझसे खुश हैं। फिर धीरे धीरे हमने माहौल बनाना शुरू किया, इसमें कुछ टाइम लगा, फिर धीरे धीरे लोगों को समझ आया, जैसे कैंपेनिंग हुई तो जो ऋषि सुनक जी ने हफ्ते के दौरान भी अपने मैनिफेस्टो में जो चीजें बताई उससे भी लोग प्रभावित हुए, और ऋषि सुनक जी एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी उन्होंने जो नीतियां बताई और मिस्टर पहले हो फॉरेन सेक्रेटरी थे तो उन दोनों की जो कन्वर्जेशन में एक बात ये रही कि जो ऋषि सुनक जी ने ज्यादातर जो बातें की वो जो आज की डेट में कंट्री एक फूड क्राइसिस एनर्जी क्राइसिस से भी जूझ रही है तो उसके फोकस रखते हुए बातें की तो उससे जनता प्रभावित हुई। जी एक हम देख रहे हैं आपके विजुअल्स देखे, हमने आपकी तस्वीरें जब देखी आदित्य जी, एक आप हाथों में जो कहते हैं कि बैनर हैं पोस्टर हैं रेडी फॉर ऋषि, ये कहाँ से निकला नारा? एक्चुअली जब हमारी कंजर्वेटिव पार्टी की टीम ने कैंपेनिंग करना शुरू किया तो वहीं से एक नारा निकला रेडी फॉर ऋषि और इसको बहुत सपोर्ट भी मिला और फिर जब ऋषि जी को भी बताया कि ये रेडी फॉर ऋषि नाम से हम आपकी कैंपेनिंग करेंगे तो वो भी खुश हुए और उन्होंने कहा कि जैसा पार्टी के लोग और आप लोग डिसाइड करेंगे तो हम इसको करेंगे और फिर वहीं से सबकी सहमति से वो निकला, पार्टी के जो भी लीडर्स थे उन्होंने ही किसी एक कार्यकर्ता की मदद से उसको लिया। मतलब इस रेडी फॉर ऋषि के स्लोगन ने
अब की बार मोदी सरकार जैसा काम किया ब्रिटेन में? ये बिल्कुल वैसे ही काम हुआ है जैसे अब की बार मोदी सरकार इंडिया में हुआ है। पर जो मोदी जी का चुनाव था या इंडिया का, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता, पर मोदी जी तो पहले ही प्रधानमंत्री बन गए थे, पर हमारा जो रेडी फॉर ऋषि था वो उसको हम सफल प्रोग्राम में सफल नहीं हो पाए थे। पर उसके बाद जो सफलता मिली है उससे हम कह सकते हैं हाँ कि कारगर रहा जी। तो आप देखिए, ऋषि सुनक जी से ब्रिटेन वासियों को बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन इस बदलाव से भारत को क्या फायदा हो सकता है? एक आपने बताया कि जरूर वाकई ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर ऐसा ही होता है कि अभी तक तो इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं विदेश पढ़ने, ब्रिटेन पढ़ने, तो एक आपने बताया कि भाई ब्रिटेन के लोग भी या इंग्लैंड के लोग भी आएंगे इंडिया, क्या इसके अलावा भी कुछ और उम्मीदें हैं आपको कि भारत को इस बदलाव से क्या हासिल हो सका? भारत को मेरे हिसाब से काफी फायदा होगा और भारत और ब्रिटेन के रिश्ते जो पहले थे उससे भी कई ज्यादा मजबूत और बेहतर होंगे। जैसे कि अभी दिवाली के टाइम पर इंडिया और यूके के बीच में एक ट्रेड डील साइन हुई थी, उसको ऊपर काम होना था, पर वो जिस जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है यूके उस कारण नहीं हो पाया। अब जो ट्रेड डील है जो इंडिया और यूके के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस पर काफी बैरियर लगे हुए हैं, जब ये ट्रेड डील साइन होगी तो काफी बैरियर हटेंगे और इंडिया के लिए भी उससे फायदा होगा, ब्रिटेन के लिए भी फायदा होगा। और एज अ ब्रिटिश इंडियन ऋषि सुनक जी जब भारतीयों से मिलते हैं तो उनका ये भी कहना है कि हम भारतीयों की जो संख्या है और भारतीयों का जो टैलेंट है, आज की डेट में दुनिया के सारे बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ भारतीय हैं और भी कई जगह भारतीयों ने अपना हुनर दिखाया है, तो आने वाले टाइम में ऋषि सुनक जी भारतीयों को अपनी टीम में शामिल और करेंगे। अभी हम कम लोग हैं पर धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे और जब ये ट्रेड डील साइन होगी और इसको जब अमल किया जाएगा इस पर तो इसका फायदा जरूर देखेगा जी। आदित्य जी, अभी तो हमने उस एक्टिविटी पर चर्चा की जिसने आपको रातों रात एक सेलिब्रिटी बना दिया, इंडिया में आप बहुत फेमस हो चुके, मैं बताना चाहूँगा आपको, और भारत में आपको प्रशांत किशोर के तौर पर देखा जा रहा है, यानी आपको कहा जा रहा है कि ये इंग्लैंड के प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने ऐसी कैंपेनिंग की है कि आज ऋषि सुनक वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन थोड़ा सा आपके बारे में जानते हैं कि लंदन कैसे जाना हुआ और फिर वहाँ या पॉलिटिक्स से कैसे जुड़ गया, क्या मोटिव था आपका लंदन जाने का और फिर कैसे क्या होता चला गया? आपने तो ये बहुत बड़ी बात कही थी, प्रशांत किशोर या मुझे किसी राजनीति में अभी आने का चुनाव नहीं है, पर जब मैं यहाँ पर अपना अपनी उच्च शिक्षा के लिए आया था, मैंने अपना तो मास्टर से यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राइटन से किया बिजनेस मैनेजमेंट और पॉलिटिकल साइंस में, और मैंने यहाँ आके कुछ चीजें देखी, जो भारतीय छात्र आते हैं यहाँ पर उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे उनको घर ढूंढना, पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ लोग पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, तो उनको उनका यहाँ पर कोई ना घर होता है ना कोई परिवार होता है, जो उनको शुरुआती दिनों में काफी दिक्कत होती है। वो कई छात्र तो मैंने देखा ऐसा कि डिप्रेशन में चले गए, तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई फेडरेशन, उसमें हमने धीरे धीरे कुछ लोगों को जोड़ा, फिर हमने और जो स्कॉटलैंड से लेके नॉर्थ से लेके साउथ तक सारी यूनिवर्सिटीज के लोगों को धीरे धीरे जोड़ा, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे काम करना जब शुरू किया तो इससे कई स्टूडेंट को फायदा मिला, तो फिर हमें पता चला कि अगर हम इसको और बड़ा करते हैं, सब जगह पूरी टीम बना के करते हैं, तो इससे स्टूडेंट को फायदा भी होगा और हम इंडियन स्टूडेंट कहीं ना कहीं आपस में सारे कनेक्ट भी हो जाएंगे। तो अब तक लगभग इंग्लैंड की सभी यूनिवर्सिटीज में 75% यूनिवर्सिटीज में हमारी टीम है जो इंडियन स्टूडेंट की मदद करती है, अगर हमसे कोई कॉन्टेक्ट भी करता है कि हमें किसी भी चीज से लेकर परेशानी है, जैसे या तो कोई गारंटर हुआ या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब या घर ढूंढने से लेकर संबंधित, तो हम लोग उसकी मदद भी करते हैं। जी, आप शायद 2020 में गए थे लंदन? जी जी।
तो 2 सालों में इतनी सारी अचीवमेंट्स की, सीधे आप प्रधानमंत्री के करीब पहुंच गए, वहां पर स्टूडेंट्स के आप लीडर बन गए, ये क्या चमत्कार है। मतलब बहुत कम लोग हैं आदित्य जी जो ये सब इतना सब कुछ कर पाते, जबकि आप वहां पढ़ाई के लिए गए थे। जब मैंने ये अपनी ये चीजें शुरू की तब मुझे लगा कि इसको हम शुरू करेंगे तो कठिनाइयों का सामना भी आएगा और परेशानियां होंगी, पर मेरी जो साथ में 10-12 स्टूडेंट की जो टीम थी, मैंने उनसे चर्चा की और उनको जोड़ा। फिर धीरे धीरे जब मैंने देखा कि कोविड का टाइम है और लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं और घर में भी हैं, तो इस समय फ्री हैं, तो फिर मैंने धीरे धीरे कनेक्ट करना शुरू किया। सबसे पहले मुझसे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट कनेक्ट हुए, तो पहले मैं मध्य प्रदेश के स्टूडेंट से जुड़ा हुआ था, मैं उनके लिए हेल्प करता था और जो भी कंसल्टेंसीज हैं, फॉरन एजुकेशन कंसल्टेंसीज हैं मध्य प्रदेश के अंदर, इंदौर, भोपाल, यहाँ से मैंने वो डिटेल ली कि कहाँ कहाँ से मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं, हम इनको जोड़ना चाहते हैं और यहाँ पर हम कल्चरल इवेंट्स करेंगे या कुछ करेंगे। जब मैंने देखा कि मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं और धीरे धीरे अगर हम चाहें तो पूरे देश के स्टूडेंट्स को जोड़ सकते हैं, तो फिर अच्छा, हमारी टीम ने जब काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे सारे देश के स्टूडेंट्स हमसे जुड़ गए। बहुत बढ़िया। यानी आप जब लंदन पहुंचे तो कोरोना काल के शायद पहले गए थे, ये आपका कोरोना काल कैसा गुजरा वहां? मेरा जो कोरोना काल है यहाँ पर बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता गुजरा, पर यहाँ पर पूरा देश बंद था, सारी चीजें बंद थी, पर यहाँ पर जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और जो चीजें हैं उन पर उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं था, तो मैं अपने कोरोना काल में भी ट्रेवल करता रहता था, सारे अच्छा, जो भी मास्क और सैनिटाइजर यूज करके सावधानी बरतते हुए, तो मैंने धीरे धीरे उस टाइम भी कई चीजों को एक्सप्लोर किया और मैंने देखा जो इंडियन स्टूडेंट हैं और जो इंडियंस किसी भी वीजा पर, स्किल वीजा है, कोई काम करने के लिए भी आए हुए हैं, तो उनको भी जॉब की इन चीजों की प्रॉब्लम थी। फिर मैं यहाँ पर जो कुछ लोकल लीडर से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनको पूछा कि हमारे स्टूडेंट और कुछ लोग हैं जो परेशान है और डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे कुछ आइडियाज बताए कि आप इनके लिए ऐसे ये काम कर सकते हैं, और हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनका सबसे बड़ा मोटिव होता है कि मेंटल जो हेल्थ है वो किसी की खराब ना हो और कोई डिप्रेशन में ना जाए, तो फिर हमने धीरे धीरे उनकी हेल्प से कई जन स्टूडेंट्स को और कुछ लोगों को पार्ट टाइम जॉब में भी हेल्प की, तो फिर मेरा कोरोना काल इन्हीं सब चीजों में गुजरा। यानी कोरोना काल में जहाँ एक तरफ लोगों को अपनी जान की फिक्र थी, उस समय भी आप अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, लोगों से मिल भी रहे थे, उनकी हेल्प भी कर रहे थे। वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत अच्छी बात है और हमें बेहद खुशी हो रही है कि आज हम एक ऐसे शख्स से बात करें। अब ऋषि सुनक जी का जो जिस तरीके से आपने चुनाव कैंपेन संभाला, हैंडल किया, वो जीते, जब इतने बढ़िया तरीके से आप चुनाव मैनेज कर रहे हैं आदित्य जी, तो क्या फ्यूचर में भारत आकर चुनाव हैंडल करने का या लड़ने का कोई इरादा है आपका? नहीं, अभी तो मेरा कोई भी इरादा नहीं है। हाँ, अगर कभी भविष्य में जरूरत पड़ी तो कृष्ण की भूमिका भी निभाएंगे, और अगर अर्जुन बनना पड़ा तो अर्जुन भी क्या बनेंगे। बात है। अगर नहीं तो फिर ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में हम आदित्य प्रताप सिंह जी को आगे किस रूप में देखेंगे, यानी क्या वहां की राजनीति में आप शामिल होना चाहेंगे? अभी तक तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है, पर अभी लंदन बोरो की जो काउंसिल के इलेक्शंस भी हुए थे, ये हुए थे अप्रैल फरवरी से इसकी वो स्टार्ट हो गया था जी कहने से जी नहीं, तो इसमें भी जो हमारी टीम थी इसमें मैं जो वेस्ट लंदन यहाँ का मैं इंचार्ज भी था, अच्छा, तो मैंने यहाँ पर अपनी टीम के साथ काम भी किया था, तो मैंने यहाँ की जो चुनावी प्रक्रिया है और भी जो चीजें देखी, तो मैं भी इन चीजों से काफी प्रभावित हुआ, मुझे और इंटरेस्ट आया, तो मैंने देखा कि इतने आसान तरीके से और इतनी बिल्कुल जो लोगों से कनेक्ट करके यहाँ के चुनाव कराए जाते हैं, तो मुझे उससे काफी कुछ सीखने को मिला। फिर वही जो टीम थी, हमने जो हमें जो सफलता मिली थी लंदन बोरो काउंसिल इलेक्शन में, तो वही टीम हमारी। चलिए आदित्य जी, वहाँ के पॉलिटिशियंस से आपके कैसे टर्म्स हो गए, यानी आप कंजर्वेटिव के ज़्यादा करीब हैं या लेबर पार्टी के लिए भी काम करना चाहेंगे, या फिर अभी कौन कौन से पॉलिटिशियंस हैं खासतौर पर इंडिया से जुड़े,
जिनके आप ज्यादा कनेक्टिविटी में हैं? मैं यहाँ पर काफी जो पॉलिटिशियन हैं उनसे मेरे टर्म्स बहुत अच्छे हैं, फिर स्पेशली तो कंजर्वेटिव से ही मैं हूँ, तो कंजर्वेटिव पार्टी में मेरे टर्म्स बहुत अच्छे हैं। जैसे लेबर में भी वीरेंद्र शर्मा जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनसे ही मेरे काफी अच्छे टर्म्स हैं। हम लोग ये इंडिया से संबंधित बातें भी करते रहते हैं और चर्चा करते रहते हैं। एक हमारे कंजर्वेटिव पार्टी के बॉब ब्लैक मैन है, उनके साथ भी मैं बहुत काम किया है पहले भी अभी इलेक्शन के टाइम में, और उनसे भी मेरे टर्म्स बहुत अच्छे हैं। और भी जो यहाँ के काउंसलर्स हैं, मेयर हैं, उनसे भी मेरे टर्म्स, सभी से मेरे टर्म्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशली जितने भी ब्रिटिश इंडियन हैं पॉलिटिशियन, सभी से मेरे टर्म्स बहुत अच्छे। चलिए, वह बहुत अच्छी बात है। आदित्य जी, एक सवाल और कि एनआरआई सम्मेलन में आप शिरकत करने आ रहे हैं क्या? जनवरी में भारत में एनआरआई सम्मेलन होना है। हाँ, ये सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो अप्रवासी भारतीय सम्मेलन हमारे मध्य प्रदेश में और इंदौर में आयोजित हो रहा है, 8, 9, 10 जनवरी को होगा। इसमें मेरी टीम से चर्चा भी हुई है, जो यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश का ग्रुप भी है, इसमें भी काफी लोग एक्टिव हैं और उनके साथ मैं हम लोगों की उम्मीद तो पूरी है, हम लोग आएंगे, अब आगे का पता नहीं, पर हाँ हम लोग आएंगे, इसमें शिरकत करेंगे। और हम लोग इस मेरी कई बिजनेसमैन से भी बात हुई यहाँ के, जो मैंने उनको अपने मध्य प्रदेश के बारे में भी बताया कि आने वाले टाइम में यहाँ पर उद्योगों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार काफी मदद कर रही है, तो अगर मेरे साथ कुछ यहाँ के ब्रिटिशर्स या और भी जो बिजनेसमैन आना चाहेंगे तो उनको भी साथ लेके। जी आदित्य जी, एक बात और जानना चाहेंगे, लंदन करीब करीब 2-2.5 साल आपको हो गया है, तो भारत को, मध्य प्रदेश को, खासतौर पर भोपाल को कितना मिस कर रहे हैं वहाँ पर? हाँ, भोपाल को तो मैं बहुत मिस करता हूँ, मध्य प्रदेश की भी याद आती है क्योंकि वो हमारा घर है, पर यहाँ धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगता है, पर वो घर 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 होता है, घर की याद हमेशा आती है। तो भोपाल की ऐसी कौन सी चीज है जिसको सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं? मुझे लगता है आप लंदन ब्रिज पे हैं, तो कम से कम बड़े तालाब की आपकी यादें जो है वहाँ ताजा हो जाती होंगी। हाँ, मैं जैसे मैं लंदन ब्रिज पे आता हूँ तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ जो मेरे साथ मेरे दोस्त आते हैं कि हमारा बड़ा तालाब भी ऐसी, उसमें भी ऐसी क्रूज चलती है, तो इसको देख के बड़ा तालाब याद आता है। और मेरा निवास चुनावट्टी में है, अच्छा, मुझे खलिया सोत डैम और जो भोपाल की जो ग्रीनरी है, ये मुझे बहुत याद आती है, स्पेशली भोपाल की बारिश। वाह, क्या बात, हमारा भोपाल बहुत इतना सुंदर शहर लंदन से कम थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलते चलते, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर, लेकिन आदित्य जी चलते चलते एक कुछ मैसेज आप देना चाहें, कुछ कहना चाहें, अपने फ्यूचर की प्लानिंग या अपने ड्रीम्स के बारे में आप कुछ बताना चाहें। सबसे पहले तो मैं आपको ही बधाई देना चाहता हूँ, मुझे पता चला आप भी कौन बनने का करोड़पति में गए हुए थे और आपने भी मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया, इसके लिए तो मुझे पता चला, तो मुझे बहुत खुशी हुई, आपके लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और इन फ्यूचर मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारे एक्सलेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग काम कर रहे हैं, अभी तक लगभग हमारी जो टीम है, हम लोग जो मदद कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, हम सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं, जो पहली बार इंडिया से बाहर भी आते हैं, तो कई सारे रूप में लोग आते हैं, जैसे जॉब ट्रांसफर हुआ, जैसे आईटी में इतने लोग आ रहे हैं, तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको दिक्कतें आती हैं एक नए देश में और एक नया माहौल देखकर। तो हमारी जो टीम है लगभग अभी 50 देशों तक तो पहुंच चुकी है, जैसे कि अगर मिडिल ईस्ट में भी अगर कोई जाता है तो हमारी टीम का कोई ना कोई वहाँ है, वो उनको असिस्ट कर सकता है, बहुत ज्यादा मदद नहीं तो असिस्ट और गाइड कर सकता है। तो मैं चाहूंगा इन फ्यूचर हमारी जो टीम है ये इतनी ज्यादा मजबूत हो जाए और ऐसा काम करे कि हमारा कोई भारतीय आए अगर हमसे कोई संपर्क करे तो वो निराश ना हो। और मध्य प्रदेश के लिए मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, पर बहुत सारे जो क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के अंदर वो अभी भी पिछड़े हुए हैं, वहाँ बहुत प्रतिभाशाली छात्र हैं और बहुत प्रतिभा छुपी हुई हैं, पर उनको जो जानकारी है उन तक पहुँच नहीं पाती है और उनको चीज का एहसास नहीं होता है कि वो चाहें तो वो भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मैं इन फ्यूचर में मध्य प्रदेश आऊंगा तो मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे जो क्षेत्र है वहाँ मैं कुछ इवेंट जरूर करूंगा और स्टूडेंट्स या लोगों को अवेयर करूंगा कि अगर आप भारत में रह के नहीं, भारत के बाहर जाके बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं।
हमें लगता है कि जब आप एनआरआई सम्मेलन में आ ही रहे हैं तो ये बात जरूर आपकी पहुंचेगी यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक, और वे वाकई बेहद संवेदनशील हैं और ऐसे जब भी मौके आते हैं तो वो ऐसी बातों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हम बहुत इंतज़ार कर रहे हैं आपका कि आप जब भी जनवरी में आएँ तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी, रूबरू हम मिलेंगे, साथ बैठेंगे। आदित्य जी, जरूर मुलाकात करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। डीएनएन परिवार की ओर से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, आपने वक्त निकाला और इतनी अच्छी बातें बताई, ब्रिटेन के इतने अहम चुनाव के बारे में आपने ढेर सारी बातें हमारे साथ शेयर की, बहुत शुक्रिया आदित्य जी आपका। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे ऐसी किसी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।